सबसे पहले तो हम लोग ये बात क्लियर करते हैं कि वर्क क्या है तो जनरली जब हम बात करते हैं वर्क की जब लफज वर्क बोलते हैं तो फौरन से हमारे दिमाग में जो बात आती है कि वर्क इज रिलेटेड विद एनी काइंड ऑफ टास्क और जॉब कि हम जो कोई काम करते हैं तो वो वर्क है लेकिन साइंस में वर्क का प्रिसाइज मीनिंग होता है मतलब के ये तो हमारे दिमाग में ये बात आती है ना कि वर्क इज लिंक बट नो इन साइंस वर्क हैज प्रिसाइज एंड डिफरेंट मीनिंग अब वो क्या है देखें फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि एक आदमी एक लोड या कोई वेट कैरी कर रहा है लेकिन हम फिर कह देंगे कि वो वर्क कर रहा है लेकिन वो वर्क नहीं होगा अगर वो मूव नहीं कर रहा मतलब साइंटिफिकली वर्क तभी होता है जब हम कोई एफर्ट या हम कोई फोर्स लगा रहे हैं उससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे आई मतलब के वर्क तभी होगा जब हम मतलब कोई एनर्जी यूज करेंगे एनर्जी यूज करेंगे फॉर सप्लाई करेंगे एफर्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे तब वो हमारी टर्म जो है वो वर्क की कैटेगरी में आएगी वर्क और एनर्जी एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करती है और एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे पास फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हम वर्क करते हैं किस तरह से एनर्जी में चेंजेस आते हैं इन सब चीजों को इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सो लेट्स स्टार्ट

हमारी फोर्स की डायरेक्शन में उसने ऑब्जेक्ट ने अगर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो हमारा वर्क हुआ लेकिन बॉडी जितना, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगी मूव करेगी उतना ही ज्यादा वर्क होगा मतलब के इससे हमें एक और चीज क्लियर होती है कि वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द

नहीं हो रहा होता बल्कि वो किसी एंगल पे जो है वो मूव कर रहा है डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट तो वहां पे हमारे पास वो एंगल वो वाला एंगल जो है वो इंक्लूड हो जाता है तो मतलब जब हम बात करेंगे वर्क की तो वर्क डिपेंड कर रहा है किन चीजों पे किन फैक्टर्स पे तो देर आर थ्री फैक्टर्स इफ एनी आस्क अबाउट यू अबाउट यू नॉट अबाउट वर्क दैट वट इज वर्क एंड ऑन विच फैक्टर्स

और इनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं सीटा लगा देते हैं साथ में तो एफ एस सीटा हमारे पास आ गया नेक्स्ट है कि हमारे पास वर्क इसका ऐसा यूनिट क्या होगा इसका ऐसा यूनिट होता है जाऊर और एज वी नो कि हमारे पास वर्क किसके बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर तो वन चाउल हमारे पास किसके इक्वल होगा अगर हम एक न्यूटन फोर्स लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए वन मीटर तक तो हमारे पास जो वर्क होगा वो वन जाऊल होगा सो इट्स सिंपल और जाउल हमारे पास जो है वो एक स्मॉलर यूनिट है वर्क का इसके बिगर यूनिट्स भी होते हैं लाइक किलो जाउल जो जब भी हम किलो की बात करते हैं इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम टेन पावर थ्री की बात करें थाउजेंड जाउल्स की बात करें और मेगा मीन्स टेन पावर सिक्स जाउल्स नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एनर्जी एनर्जी अब क्या है मतलब कि सिंपल अगर हम सोचते हैं कि एनर्जी को देखते हैं और इसका मतलब हमारे दिमाग में फर्म से क्या बात आती है कि हम हमारे पास अगर हम खाना खाते हैं तो हमारे पास इतनी एनर्जी होती है कि हम कोई काम कर ले ठीक है ना अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी एनर्जी नहीं होगी तो हमारे पास एबिलिटी नहीं होगी कि हम कुछ कर सके सो इट्स एबिलिटी टू डू वर्क सिंपल टर्म्स में एनर्जी हमारे पास क्या है एनर्जी के और बेसिक अगर हम बात करते हैं ना एनर्जी की तो ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एनर्जी जो है तमाम जो हमारे नेचुरल फिनोमिनाज अक्कर हो रहे हमारे अराउंड हमारे इन्वायरमेंट में वो सारे एनर्जी के साथ लिंक्ड है मतलब कि अगर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनमें एनर्जी होती है तो वो अक्ल होते हैं वो चीजें हो रही हैं वो तभी हो रही हैं अगर उनमें एनर्जी नहीं होगी तो वो नहीं होंगे इसकी सिंपल वन एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो रनिंग वाटर जो हमारे इस रिवर्स uh, वगैरह में होता है जिनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम जो डैम में पानी को स्टोर करते हैं ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सो दीज वो वो वाला वाटर जो है वो उसमें एनर्जी प्रोसेस होती है तो उसकी एबिलिटी है कि बाद में हम उसको यूज करते हैं और काम करवाते हैं हम आगे मतलब कि अब वाटर जो हमारा रन कर रहा है स्ट्रीम्स में उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो काम करे मतलब कि उनके अंदर एनर्जी है अब वो एनर्जी जो है रनिंग वाटर के हम उसको वाटर मिल्स चलाने के लिए वाटर टर्बाइन चलाने के लिए लेते हैं देन वो आगे जनरेटर्स चलाते हैं देन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सो तो ये नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे भी तो अभी सिंपली एनर्जी हमारे पास क्या है एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी जब हम कहते हैं कि एक बॉडी में एनर्जी है इसका मतलब है कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो काम कर सकती है बॉडी। अब एनर्जी, की है, कि एनर्जी सिर्फ हमारे पास एग्जिस्ट एक फॉर्म में नहीं करती और एक और इंपॉर्टेंट बात एनर्जी कभी भी मतलब बनाई या खत्म नहीं की जा सकती एनर्जी बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है ठीक हो गया मतलब कि ये कभी भी हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते खुद से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि हम कहेंगे ये एनर्जी सोर्स है हम इसे बिल्कुल रिनॉय कर दे खत्म कर दे नो इट इज नॉट पॉसिबल सो हमारे पास एनर्जी की फॉर्म्स आती है एनर्जी की फॉर्म्स हमारे पास वेरी फॉर्म एग्जिस्ट करती है जो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड न्यूक्लियर और इनकी एक्सप्लेनशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनशाला नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी प्रोजेस करती है अब वो किस तरह से वो मोशन के विद रिस्पेक्ट कर रही है वो उसकी पोजिशन के विद रिस्पेक्ट कर रही है वो नेक्स्ट हम इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे अभी हम ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे करें कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास एक बॉडी पोजेस करती है वो दो तरह की होती है एक होती है काइनेटिक एनर्जी एंड देन सेकेंड वन इज पोटेंशियल अगर तो मोशन के साथ लिंक है दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी और अगर पोजिशन के साथ लिंक है तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो ये था आज का हमारा लेक्चर यू लाइक इट एंड अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे तब तक अपना रखिए ख्याल टेक केयर अल्लाह